बहुत सारे कपड़े थे। क्या चाहिए? राजा भी एक्सीडेंट हो जाता हमारा शेर वाले डर से। गिरते गिरते बची हूँ। कालू भैया राम राम। छोरा हरियाणे का, छोरा हरियाणे का, भाई देख मेरा टोरा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग कुछ इस प्रकार है कि हमारे पास जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों के काम आ सकती है, हमने वो सब निकाली है आज घर से। अभी उसका ये आधा परसेंट है जो यहाँ निकला हुआ है। अभी बहुत सारा सामान है जो निकालना है, उसके बाद हम ये सारा सामान ज़रूरतमंद लोगों को दे के आएंगे और हम ये सब आपको पूरा दिखाएंगे। क्योंकि अगर आपके पास भी ऐसे कपड़े हैं, जूते हैं, बेल्ट है, चश्मे हैं जो किसी और के काम आ सकते हैं, वो आपको भी देने चाहिए। ये रहे जो हमने अभी तक नहीं पहने, ये भी हम किसी को देने वाले हैं जिनको इनकी जरूरत है। हो गया गुरु तेरा? हाँ पायल, देखिए ये खोल। अच्छा इसमें घड़ियां रख दी। सही किया ना? सारी वॉचेस एक साइड तेरी मेरी रखी है, दो साइड चीकू के पापा की। इधर सारे परफ्यूम है और ये दवाइयों को सारा सेट कर दियो। ठीक है, तो मैं ये सारा सामान जो है कट्टों में डलवा रही हूँ, क्योंकि कैरी बैग इतने बड़े नहीं है तो कट्टों में डल जाएंगे। तो ये सारे जो सिर्फ जूते चप्पल है, और ये अभी सिर्फ 2% कपड़े हैं। अभी नीचे जाके बहुत सारे कपड़े निकालने, मतलब 4-5 कट्टे भरेंगे आज सामान के। तो अब मैं कराने आई हूँ नीचे का सामान निकालने, साथ ही साथ नीचे जो भी एक्स्ट्रा सामान है उसे निकालने के लिए, क्योंकि घर पूरा गंदा हो रखा है नीचे वाला। शिवा नहीं है, अरुण अकेला है, तो मैंने सोचा उसका थोड़ा हेल्प भी हो जाएगा और घर साफ भी हो जाएगा। तो जो ये वाला बेड है ना, इसको खोलना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि ये अटकता है, पर आज हमने फाइनली खोल ही लिया क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे। समझ नहीं आ रहा लेन देन क्या है, कहाँ से है, तो आज होगा सबकी सफाई हुई अच्छे से। भैया ट्रैकलिंग वाले को बुला दो, जो कपड़े है ना बोलू, मैं ट्रैकलिंग वाले साइड में रख रही हूँ। बोलू एक काम करो, ऊपर 3 बैग खाली पड़े हैं उनको ले आ, उनमें जो कपड़े काम जो हमें अभी नहीं पहनने हैं ना, और जो विंटर्स के या चीकू के छोटे हैं, वो एक बैग 3 बैग में डाल के बेड में सेट कर देंगे। तो जो अभी नीचे से निकले थे वो ये कपड़े हैं, अभी इनको हम बैग में लगा देते हैं, और जो ऊपर कपड़े निकाले थे वो भी तय लगा के बैग में लगा देते हैं ताकि देने में आसानी होगी। हमने सेट बना दिया, जैसे ये साड़ी है, ये सूट है, ये सूट है, तो ये साड़ी है, ये चीकू का नाइट सूट है, तो थोड़ा सा जो मैनेज है हमारा इजी हो जाएगा। हमने सारे के सारे जो पेयर बना के पॉलीथिन में डाल दी, जैसे ये वन पीस पॉलीथिन में डाल दिया, ये जो सूट है इसका पूरा सेट डाल दिया। तो कुछ कुछ जो चीज़ें हैं जिनका प्रॉपर सेट है, जैसे सूट हो गए, साड़ी हो गई विद ब्लाउज हो गए, तो हम पॉलीथिन में डाल रहे हैं ताकि ईजी रहे। और ये सारे के सारे वो चश्मे हैं। रुको तो सही, दे रही हूँ आप ही को, दे रही हूँ बेटा, रखने तो दो, अलग अलग खाओ। राजा को देख, उसका देख रहा है खाना, धीरे धीरे खाते हैं, धीरे धीरे खाना, धीरे धीरे खाओ। तो रानी जो है थोड़ी सी स्लो है खाने में और राजा है फुल फास्ट। तो ये सारे कपड़े जो है हमने पन्नियों में डाल दिए ताकि जिसको दे सके वो आराम से ले ले, उसको पता होगा। इसको दे पहले, इसको आपको क्या चाहिए, इनमें से आप कुछ नहीं पहन सकते हो। मेरे पास कुछ नहीं दिया तो अभी खाने के लिए, पेट नहीं भरा। ओहो नहीं राजा, पायल पास से मान गया। देख तो लो इनको, देख तो लो। अरे कैसे लड़ते हैं यार, एक बंदा प्यास नहीं कर सकता इसे। गोलू आरू खराब है, आरू वाले को फोन कर दे, रात को पानी नहीं था पीने के लिए। वही ढूंढ रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि मिल नहीं रहा नंबर कहीं और। हाँ ना, आरू वाले का तो नितिन भैया के पास था, बुलाया तो था शायद, नितिन भैया ने बुलाया था, किसने बुलाया था पता नहीं। मैंने नितिन भैया को फोन कर ले एक बार। तो ये सारा सामान निकला है जो देने के लायक है, और हमने चीकू की कुछ बुक्स भी निकाली है, वो बच्चों को काम आ जाएगी पढ़ने के लिए, क्योंकि चीकू के पास तो अब उसके स्कूल की बुक्स है। तो ये जो बुक्स है वो बुक्स हैं जिसमें हम बच्चे जनरल नॉलेज का पढ़ते हैं। अभी तो धूप हो रही है, अभी हम बाहर नहीं निकल सकते घर से। और चीकू के पापा भी गए हुए हैं बाहर, चीकू के पापा घर से बाहर हैं, तो जब वो आ जाएंगे थोड़ी धूप कम हो जाएगी ना, फिर चलेंगे लो ये देने सामान। तो चीकू बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, जो उसकी वाली पज़ल का जो ये बॉक्स है ना मिल नहीं रहा है, तो नितिन भैया को बोला इसलिए नई पज़ल ला के दो। ये तो पूरी जोड़ दी इसने, ये नहीं मिल रहा, पूरे घर में ढूंढ लिया नहीं मिला। तो ये जो लड़की है ना, ये पूरा दिन सीरियल देखती है, समझ नहीं आता। मैं एक ही सीरियल देखती हूँ, तो सीरियल जो आपको अच्छा लगता है देखना। मुझे सीरियल बहुत अच्छा लगता है, और ना पायल की खासियत है, जब पायल सीरियल देखती है ना तो पायल ना अलग अलग चेहरे के मुंह बनाती है, कभी ऐसे कभी। तो जितना भी जो स्पेयर सामान है सारा का सारा हम लोग निकाल रहे हैं, पूरी की पूरी जो बालकनी है भरी पड़ी है कबाड़ से, तो सारा का सारा सामान निकालेंगे। जितना भी वेस्ट सामान था वो सारा का सारा बाहर निकाल दिया, और जो भी सामान काम का है वो इधर सेट कर दिया, पूरा मैनेज कर दिया। अब यहाँ अब क्या होगा, ये जो बालकनी है ना पूरी की पूरी नीट एंड क्लीन हो जाएगी। तो अब हम नीचे आए हैं, तो हमने सोचा थोड़ा इनका किचन भी पूरा क्लीन कर देते हैं। ढूंढ रहे थे अब, देखो मैंने ये किचन पूरा क्लीन करवाया है, कितना साफ लग रहा है, जितना भी कूड़ा था सब निकलवाया है बाहर।
तो ये पूरा एरिया हमने अच्छे से साफ किया है। फ्रिज बाहर खराब हो गया तो बाहर लगा दिया है। तो आज मैं बिल्कुल पिंकी पिंकी लग रही हूँ। तो आज काफी टाइम बाद मैंने अपना फेवरेट सूट पहना है। बहुत पुराना सूट है बट बहुत ही फेवरेट है। साथ में बड़ा बैग इसलिए लिए ताकि इसमें फ्रूट्स भी आ जाए, हमारा कैमरा भी आ जाए, सब कुछ आ जाए। चले भाई लिफ्ट आ गया। तो हम लोग निकल रहे हैं अब सामान देने लोगों को। तो सामान बहुत सारा है, लोग कम है, हम तीन है, उठाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। क्या नहीं उठ नहीं रहा, भारी है यार सामान। चलो चलो भाई, ये भी सामान डिक्की में रखवाने की, भैया ये भी रखवाने। तो डिक्की काम आ रही है आज है। तो ये डिक्की इतनी ज्यादा स्पेशियस है ना, कल इसमें दोनों गुड्डू और चीकू दोनों सोए थे आराम से। तो अब मैंने ये सोचा है ट्रैवल करने में ना मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मुझे ना कहीं भी सोने में नींद आ जाती है और ये डिक्की तो इतनी बड़ी है। ये जो टेम्पो था इसमें ड्राइवर नहीं था और हमारी जो गाड़ी है वो ऐसे आ रही थी और ये टेम्पो अपने आप पीछे आ रहा था। मतलब अगर मैं भैया को बोलती नहीं भैया ब्रेक मारो तो हम अभी एक्सीडेंट हो जाता हमारा। तो हम लोग पहुंच गए हैं, बस अब गाड़ी से उतर रहे हैं और जिसके लिए जो है उसे पकड़ा देते हैं, जो बच्चों के लिए है, जो बड़ों के लिए है। अंदर ही ये तो चीकू वाले बच्चे को दे दूंगी। चीकू जैसे बच्चे मम्मी को बुलाओ बेटा, मम्मी को। आंटी आ जाओ, सबको बुला लो सबको। ये साड़ी है, ये साड़ी साथ में ब्लाउज है, ठीक है। आपको साड़ी चाहिए, आपको भी साड़ी, ये ले मम्मी के लिए साड़ी। ठीक है, आपका भी हो गया, ये लो ये आपके लिए सूट, ठीक है। इधर आओ देखो, तुम आएगी हाँ तो तुम पहन लो, ठीक है। अंकल को जूते दे दूंगी, अंकल आपको जूते दूंगी। ये गरम कोट है, ये गरम कोट है आपके लिए। देते अभी ये लो ब्लाउज के कपड़े, ये सब ले लो ना, एक एक लो, ये एक एक करके दूंगी। ये देख लो किसको जिसको तुम्हें नहीं आएगी बेटा। हमने जो जो सामान दिया वो खोल खोल के देख रहे हैं, उनको सबको शायद बहुत पसंद आ रहा है और खुश हो रहे हैं लोग। हमें भी अच्छा लग रहा है कि हमारी जो चीजें हैं जो हमारे पास रखी थी वो उनके काम आ रही है। तो वहाँ पे आधे लोग जो थे वो काम पे गए हुए थे, अब हम दूसरी जगह आए हैं सामान देने। रुको रुको, देखिए आपको नहीं आएंगे, आएंगे। बेटा रुको बेटा, आपको नहीं आएंगे, नहीं आएंगे बेटा, फिर को नहीं आएंगे, मेरे साइड से आपको आएंगे। अभी आप वहाँ गए थे ना, वहाँ पे ये जूते माल दी गई थी, मैं किसको प्यार तो दूं? किसी के हस्बैंड को आएंगे, पति को। मतलब अभी मेरी इतनी बुरी हालत हुई ना कि मुझे किसी को भी कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पे। यहाँ पे लोगों ने अपने आप ही ले लिया, अपनी मर्जी, अपनी मर्जी से किसी के पास कुछ गया होगा, किसी के पास कुछ गया होगा। मैं तो गिरते गिरते बची हूँ बस। अब घर से बाहर निकले तो हमने सोचा लगे हाथ सब्जी फ्रूट्स भी ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग नहीं आते ना, तो अगर किसी भी लड़के से मंगवाते हैं तो सब्जी फ्रूट सब कुछ बेकार लेके आते, इसलिए हमें आना जरूरी था। आधा किलो भिंडी, किलो आधी किलो ले ले। गाजर मुझे सही लग रही है, जूस के लिए निकाल दूंगा, ठीक है सारे निकाल दूंगा। टमाटर पाइल, टमाटर है, टमाटर नहीं थे, नीचे टमाटर नहीं थे। भैया देखना सही जो होगी वो निकाल देना, सही है सारी। कुछ छांट के लाया हाँ भाई, धनिया पुदीना दोनों भैया। भाई मटर लू, मटर मटर पड़ी है भैया, अच्छे तरबूज है ना, ठीक है। आपके पास कीवी नहीं है भैया? कीवी नहीं है, कीवी और पपीता लेना है पहले ना। सारा का सारा काम हो गया, फ्रूट वेजिटेबल सब कुछ आ गए हैं और बस अब घर जा रहे हैं। घर जाके सारा सामान सेट करेंगे। आज तो पूरा दिन हमारा सेटिंग में चला गया पहले। सेटिंग में हमने सामान निकालने में इतना टाइम लग गया, लेकिन सामान देने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगा। और वैसे मैंने चीज नोट करी है, संडे को हमेशा हम सेटिंग करते हैं सारे घर की सेटिंग, लेकिन इस बार की जो सेटिंग दे रहा हूँ सबसे बेस्ट सेटिंग हुई है। मतलब अब हमारे घर में कोई ऐसा कपड़ा नहीं है, कोई ऐसा जूता चप्पल नहीं है जो मतलब हमने सिर्फ रख रखा है। नमस्ते। तो सारी सब्जियां भी ले आए हैं और फ्रूट भी ले आए हैं। चल गोलू चले,
कालू भैया राम 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 राम, राम। तुम्हारे जेठ जी काफी टाइम पास मिले तो इसलिए मैंने सोचा जरा राम राम कर दूं। के फॉर कृतिका, के फॉर कृतिका, कृतिका नहीं होता, के फॉर ये कह रहे कृतिका, के फॉर काइट भी होता है, के फॉर काइट। अच्छा सी फॉर क्या होता है? चिरायू। चीकू अब खाना वाना हो गया, मम्मा गई है दूध लेने, अब सोई सोई करेंगे ठीक है बेटा, सुबह स्कूल जाना है। हाँ मैं ये कह रही थी कल मैं भी टाइम से सुबह उठ जाऊंगी, तू चीकू का नाश्ता करा दी, मैं सुबह चीकू को नहला धुला दूंगी, टाइम से उठ जाऊंगी, इकट्ठे सो जाते, और उसके बाद जब चीकू स्कूल चला जाएगा ना तो फिर हम जिम भी चले जाएंगे ताकि डांस क्लास हो पाएगा, कल है मंडे ठीक है, फिर मिस नहीं करना यार, ठीक है ठीक है ठीक है ना। तो बाय बाय गाइस, आज का व्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से आके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।